तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, दोनों हम लोग पार्ट के बारे में बात करेंगे, बायर और सेलर। सबसे पहला सेलर का रजिस्ट्रेशन, फिर अपना प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे आपको प्रोफाइल अपना यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो आप अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या रहता है, जैसे कि आपका कंपनी का पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी, बैंक डिटेल्स, एमएसएमई, स्टार्टअप, डी ऑर्डर, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, आईटीआर, ये सभी चीजें यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग कैसे एक एक करके अपडेट करेंगे। उसके बाद साहा आता है, साहा जो एक साहा के बारे में बताएंगे, साहा क्या चीज होती है, और ये सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग, जब हमारा एक बार प्रोफाइल अपडेट हो चुका, फिर विदाउट जेम, जेम का रूल क्या है कि आपको एक कॉजन मनी भरना पड़ता है एज पर आपके टर्नओवर, आपका जितना इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंगली, टर्नओवर जितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको जेम पे कॉजन मनी भरना पड़ता है। मतलब ये एक डिपॉजिट अमाउंट है, कॉजन मनी बोलते हैं। जैसे हम लोग टेंडर भरते वक्त ईएमडी पैसा देते थे, ऐसे ही जेम के लिए कॉजन मनी, जनरली ये 5,000, 10,000 और 25,000, तो जिसका जितना प्रोफाइल में अपडेट होगा उसके हिसाब से वो पैसा आपको भरना पड़ेगा। जब तक ये पैसा आप नहीं भरेंगे तब तक आप जेम पे आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका जेम का कॉजन मनी है, पैसा आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा एज पर कंडीशन। तो डिपॉजिट करने, डिपॉजिट कैसे करेंगे, डिपॉजिट करने का प्रोसीजर, और आपको यदि कभी रिफंड होना है तो रिफंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉजन मनी में बात करेंगे। कॉजन मनी के बाद हम लोग आएंगे कैटलॉग, प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट के कैटलॉग बनाने के लिए तीन तरीका, न्यू, क्लोन और पेयरिंग, तो तीनों प्रोसेस के बारे में देखेंगे। फिर आएंगे सर्विस का कैटलॉग, तो सर्विस का कैटलॉग कैसे बनाता है, सर्विस में पेयरिंग और क्लोन नहीं होता, हमेशा नया कैटलॉग बनाना पड़ता है। तो नया कैटलॉग बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीजें लगती है और कैसे कैटलॉग बनेगा, तो ये हम लोग सर्विस के पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा सर्विस का पार्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो पार्ट माई प्रोफाइल में ही, वेंडर असेसमेंट और रीसेलर पैनल। वेंडर असेसमेंट को हम लोग ओईएम पैनल बोलते हैं। वेंडर असेसमेंट उनको मैंडेटरी है जो लोग ओईएम बनना चाहते हैं। यदि कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है या ओईएम है, वो यदि अपने आपको यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनको वेंडर असेसमेंट करना मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, तो उनको वेंडर असेसमेंट करना पड़ता है। तो आप अपने आपको एज ए ओईएम कैसे ट्रीट करेंगे और आगे का प्रोसीजर कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाऊंगा। और आते हैं रीसेलर पैनल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि हम लोग थोड़े देर पहले भी आप लोगों से नॉर्मल डिस्कशन में हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, फॉगिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्वाड्रेंट वन एंड क्वाड्रेंट टू। क्वाड्रेंट वन को रहने देता हूँ, मैं क्वाड्रेंट के बारे में भी समझाऊंगा। क्वाड्रेंट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे पांच क्वाड्रेंट के प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जनरली क्वाड्रेंट टू के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए आपको ऑथराइजेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, ऑथराइजेशन नंबर के बगैर वो नहीं डाल सकते उस प्रोडक्ट को। तो ऑथराइजेशन नंबर आपको डालना कहाँ है, वो रीसेलर पैनल में डालना। तो रीसेलर पैनल में कैसे नंबर डालते हैं यदि आपको मिला तो, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया अपना रीसेलर पैनल। फिर प्रोफाइल का, यदि आपको अपना पासवर्ड बदलना है, ईमेल आईडी बदलना है, मोबाइल नंबर बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं। तो आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एज ए प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्राइमरी यूजर। तो आप वहां पे यदि आपकी कंपनी बड़ी है या फिर आपको अथॉरिटी के लिए दूसरे किसी को देना है और यूजर आईडी बना के, तो वहां पे आप एज ए सेकेंडरी यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर क्रिएट करने की जरूरत क्यों है, उसके क्या बेनिफिट है, उससे क्या होगा, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, प्रोफाइल अपडेट और कैटलॉग। इसके बाद हम लोग कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे हम लोगों ने भी क्वाड्रेंट की कैटेगरी बोली, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, फोर, फाइव, तो क्वाड्रेंट और कैटेगरी, आप अपना प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर आपकी कैटेगरी मार्केट में नहीं है तो उनको मार्केट में कैसे लेके आने का है, लाने के लिए प्रोसेस क्या है। यदि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है तो उसको लेने के लिए आपका प्रोसेस क्या होगा कैटेगरी। उसके बाद ब्रांड, यदि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, आप जो ब्रांड में बेच रहे हो, जैसे मैं जूते जो शूज बेचता हूँ पर एडिडास जेम पे नहीं है, तो मुझे यदि जेम का एडिडास का शूज बेचना है और एडिडास का ब्रांड ही अवेलेबल नहीं है, तो अपना हम ब्रांड को कैसे अप्रूवल करवा सकते हैं, चाहे वो एज ए रीसेलर और एज ए ओईएम, दोनों के प्रोसेस कैसे होते हैं। ओईएम को अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करना है और रीसेलर, एज ए रीसेलर हो आप
और आपको यदि उस ब्रांड को OEM का जो ब्रांड है उसको रजिस्टर करना है तो आप कैसे कराएंगे, ये दोनों प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इसके बाद आएंगे बीड। बीड हमारा अलग अलग टाइप के बीड्स है। बीड्स में हमारे जनरली जो बीड्स के टाइप है वो अलग अलग है। देखो बीड, ये जो बीड आ रहे हैं यहाँ पे कोई भी सिंगल प्रोडक्ट के बीड होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के। यहाँ पे सर्विस के बीड आते हैं, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंगल सर्विस। बंच बीड मतलब एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बंच बीड, वो टेंडर आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद आएंगे सर्विस बंच बीड। सर्विस का यदि बंच बीड हुआ एक से ज्यादा सर्विस तो सर्विस बंच बीड। बीड टू आ रहे यदि कोई टेंडर ऑक्शन में कन्वर्ट होता है रिवर्स ऑक्शन में तो वो टेंडर आपको यहाँ दिखता है, इसको बोलते हैं बीड टू आर ए। और आते हैं कस्टम बीड। यदि कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं या कोई सर्विसेज भी मार्केट में नहीं है और उसका टेंडर फ्लोट होता है तो वो हमारा कस्टम बीड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम बीड। तो ऐसे टेंडर्स को आप ये सभी टेंडर, और एक टेंडर है बीओक्यू बीड, यहाँ पे एक बीओक्यू बीड है। इतने टाइप के यहाँ पे टेंडर होते हैं। ये सभी टाइप के टेंडर के बनने के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबको देखेंगे ये सब तरफ के टेंडर्स को किस टाइप में बढ़ते हैं और किस चीज के लिए क्या करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सभी चीजें देखेंगे। साथ में हम लोग एक कैटेगरी होता है अलग से, यूनिवर्सल कैटेगरी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। यूनिवर्सल कैटेगरी कब बनाना है और कैसे उसके काम होते हैं वो सभी चीजें हम लोग यूनिवर्सल कैटेगरी में देखेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट का हुआ। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक प्रोडक्ट चीज, वो है पीआर, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है और परचेज रिक्विजिशन पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हम लोग पीआर में देखेंगे। इतने सभी पार्ट हम लोग यहाँ पे एज ए सेलर देखने वाले हैं। बोलिए सेलर के रिगार्डिंग, अभी बायर का मैंने सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया, तो सेलर के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए और फिर पूछिए। ठीक है, तो फिर आपके कोई भी डाउट्स नहीं, चलो फिर हम लोग बायर पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर कोई प्रोडक्ट जेम में नहीं है उसको कैसे हम अपलोड कर सकते हैं? मैडम प्रोडक्ट यदि कोई जेम पे नहीं है तो पहला तो कैटेगरी आता है कि कोई भी कैटेगरी रहता है, कोई प्रोडक्ट यदि आपका जेम पे नहीं है तो कैटेगरी नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नहीं है मतलब कैटेगरी नहीं है, तो कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी को यहाँ पे डालने का एक प्रोसेस है जो आप कैटेगरी के लिए उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो। यदि वो रिक्वेस्ट अप्रूवल होता है जेम के थ्रू से तो आपको प्रोडक्ट डालने को मिलेगा। दूसरा एक कंडीशन है कि जेम पे कैटेगरी है, जैसे कि मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टेलीविजन टीवी, टेलीविजन टीवी का कैटेगरी है मेरे पास, हम भी टीवी बेचते हैं तो उसकी कैटेगरी बनी हुई है, पर मेरा जो टीवी है वो 100 इंच का है एज ए एग्जाम्पल। तो अभी 100 इंच का टीवी यहाँ पे नहीं, 32 इंच का है, 43 इंच का है, सब है पर 100 इंच का टीवी नहीं है, तो इसको बोलते हैं कैटेगरी को अपग्रेड करना। तो पहले कैटेगरी अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर हम दे सकते हैं। और इसके लिए थर्ड प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस हो गया। और यदि तीसरा टाइप देखेंगे, यदि इसमें भी आप नहीं होता है प्रॉपर प्रोसेस तो बायर को बोलना पड़ेगा जो आप कस्टम बीड निकालो इसका, वो कस्टम बीड निकाल सकता है, फिर आप एज ए टेंडर की तरह वहां पे टेंडर भर सकते हो और भर के हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट आता है, कैटेगरी अपग्रेडेशन, न्यू कैटेगरी क्रिएशन और या तो कस्टम बिल्ड। ये तीन पार्ट से आपका काम हो सकता है, जो आपको बेटर लगे आप करवा सकते हैं, वो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एक एक करके सभी चीजें हम लोग बताएंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ संग्राम सर बोलिए। सर मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर ओडिशा। में हमारा स्काईराइड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड है, फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर गार्बेजर और ई रिक्शा, गुड कैरिंग और टूरिस्ट व्हीकल हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सर हमें पब्लिक सपोज बीड टेंडर भर के पार्टिसिपेट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है सर, बट पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है सर, तो उड़ीसा का हो जाता है, अदर स्टेट का नहीं हो रहा है। ठीक है ना सर, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग वो, ये आपका प्रॉब्लम है ना? Yes, ये आपकी क्वेरीज है, तो क्वेरीज जो है हम लोग अभी तक टेंडर चालू ही नहीं किया, तो पहले सर अपने को टेंडर चालू करने दीजिए, आप मेरे पास क्लास कीजिए, फिर भी आपको लगता है कि आपके डाउट सेम रह गया तो
तो फिर आप हमें फिर पूछिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? यस सर, यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, अभी चलिए हम लोग बायर के बारे में बात करते हैं। बायर में हम लोग क्या कह सकते हैं, बायर के पार्ट में हम लोग पूरा पार्ट कवर नहीं करेंगे यहाँ पे। बायर में आप मतलब एज ए सेलर, आप एज ए सेलर बायर में जो जो चीज लगता है वो हम लोग कवर करेंगे। क्या लगता है बायर में, यहाँ पे बायर में हम लोग बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एज ए प्राइमरी यूजर, एज ए सेकेंडरी यूजर। आप यहाँ पे बायर हर कोई नहीं बन सकता, आप बायर नहीं बन सकते, बायर सिर्फ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के लोग ही, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वही बायर बन सकता है। आप यहाँ पे सिर्फ सेलर बन सकते हो, बायर नहीं बन सकते। तो गवर्नमेंट के यदि आपको कोई डिपार्टमेंट को बायर नहीं है और उनको रजिस्ट्रेशन करवा के देना है तो आप दे पाओगे, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को कैसे करवा के दे सकते हैं। तो एज ए बायर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यहाँ पर भी दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सेकेंडरी यूजर का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट होगा, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट होता है गवर्नमेंट का, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पार्ट में देखेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन में तीन चीजें यहाँ पे, बायर, कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे बायर जो रजिस्ट्रेशन होता है तीन पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, एक को बोलते हैं बायर, एक को बोलते हैं कंसाइनी और एक को बोलते हैं पेमेंट अथॉरिटी। बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई भी सामान को परचेज करना। कंसाइनी का काम क्या है, जो मेटेरियल परचेज हुआ वो जब आप एज ए सेलर आप उस मटेरियल को भेजते हो तो उसका क्वालिटी चेक करना, मटेरियल टूटा फूटा है कि नहीं, या सब कुछ ओके है, और उस मटेरियल को रिसीव करना, ये काम है कंसाइनी का। और इसके बाद आएंगे पेमेंट अथॉरिटी, जब ये मटेरियल ठीक ठाक है तो आपको पेमेंट करने की जिम्मेदारी पेमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे तीन पार्ट है, तो हम यहाँ पे कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी के बारे में नहीं बताएंगे, बायर का पूरा रोल बताएंगे। बायर का रोल क्या है, बायर कोई भी सामान को परचेज करना, तो वो कोई भी बायर कैसे कैसे परचेज कर सकता है। बायर एक डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है जिसकी लिमिट है 25,000, कोई भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है आपको 25,000 के अमाउंट तक किसी को भी बायर परचेज, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर सकता है, तो डायरेक्ट परचेज को हम लोग बोलते हैं। तो ये परचेज कैसे करेंगे, L1 परचेज जिसकी लिमिट है मोर देन 25,000 बिलो 5 लाख, इसको बोलते हैं L1 परचेज। तो L1 परचेज कैसे करते हैं, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट को अपने को कंपेयर करना पड़ता है और कंपेयर करके हम उसको प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, L1 परचेज कैसे होता है, कोई कैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन का होगा L1 परचेज, और फिर हमारा आएगा PR, परचेज इक्विजिशन कैसे जनरेट करते हैं, PR कैसे जनरेट करते हैं, और फोर्थ है बीड बनाते कैसे, हर तरीके का बीड, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सर्विसेज, बंच बीड, बंच सर्विसेज, कस्टम बीड और BOQ बीड, ये बीड हम लोग यहाँ पे कैसे पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने का सीखने का सेलर में देखेंगे कैसे भरते हैं, और क्रिएट करने का काम हम लोग बायर में देखेंगे, और उसमें भी देखेंगे हम यहाँ पे किस तरीके से यदि कुछ मैनेज करना है तो हम बीड में क्या करके मैनेज को कर सकते हैं, ये भी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किसके क्या लूप होल्स है, किस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा बायर के पार्ट का कोर्स रहेगा, ये हमारे पूरे सिलेबस है। बोलिए कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो संजय सर। हाँ सर, ये डायरेक्ट परचेस का जो लिमिट है 25,000, हाँ, इसको हम फॉर एग्जांपल पेंट अगर पब्लिश करते हैं, क्या करते हैं, पेंट प्रोडक्ट, नहीं समझा मैं, मेरा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल पेंट है, हाँ, उसको पब्लिश किया हमने, हाँ, तो डिपार्टमेंट उसको परचेस करना चाहता है डायरेक्ट परचेस में, हाँ, हाँ, फॉर एग्जांपल उसका रेट है 200 रुपीज पर लीटर, हाँ, हाँ, और जेम पे वो मिल रहा है अगर सप्लायर का 180 रुपीज पर लीटर, हाँ, तो 20 का जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट परचेस मेरा 200 का परचेस कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, आप अपने प्रोडक्ट को यदि 500 में बेचना चाहते हो, जेम पे सब लोग 200 में दे रहा है और आपका प्रोडक्ट आपने डाल दिया 500 रुपया में जेम पे, तो आप 500 में बेच पाओगे, पर 25,000 के अमाउंट तक ही बेच पाओगे, उससे ऊपर ओनली 25,000 तो इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है ना वो सब, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन सब ठीक है। और वो 5 लाख तक का है, 25,000 उसको कंपेयर करना पड़ता है, तो पहले कंपेयर करके परचेस करना पड़ेगा,
कंपेयर मतलब प्राइसिंग में? हाँ प्राइसिंग में, प्राइसिंग क्वालिटी नहीं, ओनली प्राइसिंग। यहाँ पे आप यदि ई प्रोक्योरमेंट में भी टेंडर भरे हैं तो सेम यहाँ पे वही चलता है। यहाँ कोई ब्रांड नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, सिर्फ प्राइस चलता है। L1 ठीक है ना? थैंक यू। अभिजीत सर प्लीज। अभिजीत सर, अभिजीत सर नेक्स्ट लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए अभिजीत सर। सर 25,000 वन क्वांटिटी, क्वांटिटी में अब और रहेगा क्या बोले सर? क्वांटिटी 25,000 की ईच रहेगी सर, मतलब 21 टोटल अमाउंट 25,000 अमाउंट टोटल अमाउंट जैसे, हाँ अमाउंट जैसे कि पेंट खरीदना चाहते हैं, एज सर ने बोला पेंट, तो मेरा 500 का एक एक पेंट का जा रहा है, तो मैं 500 इनटू मान लो मैं 50 खरीदना चाहता हूँ तो 50 खरीद सकता हूँ, पर 51 परचेज नहीं कर सकता। 50 से नीचे मैं कितना भी परचेज कर सकता हूँ, 25,000 अमाउंट तक। 25,000 अमाउंट में कितने कर दूँ? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, जिनको पूछना है मैंने बोला है हैंड रेज करना, डायरेक्ट नहीं पूछना। विशाल सर, विशाल सर, विशाल सर, 25,000 से जो सामने वाला परचेज कर सकता है, हाँ तो वो बिड कैसे करना है, मतलब इसमें से ही आपको अपने को रेट लेना है? देखो सर, बीड का प्रोसेस अलग है, बीड कोई भी निकाल सकता है आप। okay. 1 रुपया का भी प्रोडक्ट का बीड निकाल सकते हो और 100 करोड़ का भी प्रोडक्ट का बीड निकाल सकते हो। तो ये जो है डायरेक्ट कैसे परचेज सामने वाला कर पाएगा अपने से? वो तो सर हम जब ट्रेनिंग चालू करेंगे तब बताएंगे, है ना? अभी हम लोग आपको सिर्फ सिलेबस डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो ये सब हम आपको सिखाएंगे। Okay. सिखाते वक्त एक एक सभी सिखाएंगे, जो आपका ही प्रोडक्ट आपको कैसे ऑर्डर मिले, ये सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक ठीक सर। राजेंद्र सर, हाँ सर, ये बताइए थोड़ा बिलो 5 लाख का तो L1 कैसे होगा, उसका थोड़ा बता दीजिए प्लीज दोबारा से। सर यहाँ पे L1 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे L1 में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बहुत जगह से बहुत कुछ सुने हुए रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को L1 में सबको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे L1 में कोई इलीगल काम के बारे में नहीं बताऊंगा, जो लीगल वे से प्रॉपर होने वाला है उतना ही बताऊंगा। सिस्टम को बिगाड़ के और उसके अकॉर्डिंगली नहीं, यहाँ पे कोई नहीं सिखाया जाएगा प्रॉपर वे से L1 कैसे होता। हाँ, इसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को L1 कर सकते हो, यदि उस प्रोडक्ट का गोल्डन पैरामीटर है तो कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट वो लीगल वे से होगा जिससे बायर को कभी भी कोई भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब बायर क्लीन होने के बाद आपका ऑर्डर आपके रेट में आपको मिल जाएगा। तो गोल्डन पैरामीटर के विषय में बाद में बताएंगे। हाँ, वो मैं सर जैसे जैसे आगे क्लास जाता रहेगा वैसे वैसे हर चीज के बारे में बता दी जाएगी। ओके ओके, क्लियर है? और किसी को कोई डाउट्स सिलेबस के रिगार्डिंग या जेम के? चलिए तो फिर हम लोग क्लास को चालू करते हैं, एक एक प्रोडक्ट एक एक सिलेबस का एक एक पार्ट उठाते हैं।